गाइस कैसे हो, शुरू आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो अंदर हम बात करने वाले अपने एशियन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के रिडीम कोड के बारे में। तो फाइनली अपने इंडियन सर के लिए जो रिवॉर्ड जो है कंफर्म निकल कर आ चुके कि आपसे पूछो इस रिडीम कोड के अंदर कौन कौन से रिवॉर्ड दिए जाने वाले। और गाइस साथ ही मैं आपसे बताऊंगा कि आपसे पूछो इस रिडीम कोड के अंदर जितने भी प्राइजेस दिए जा रहे, तो गाइस उनमें से आपको जो है सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया प्राइस आपको जो कौन सा यहाँ पे जो लेना चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो है काफी ज्यादा रेयर और लेजेंडरी प्राइजेस जो इस बार रिडीम कोड के अंदर आपसे वो दिए जाने वाले। और सबसे बड़ी मेन बात कि आपसे पूछो कितना माइलस्टोन पूरा करने के बाद जो है यहाँ पे आपसे भी रिडीम कोड दिया जाने वाला, जिसकी मैं आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि रिडीम कोड आपको कौन से डेट पर और कौन से टाइम पर जो दिया जाने वाला है। बट क्या अगर उससे पहले यार देख लो गाइस 83% बंदे ऐसे जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइस आप भी अगर उन्हीं में से कोई एक हो तो गाइस यार क्या कर रहे हो यार, नीचे आपको जो एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल रहा होगा, सिंपल इसको प्रेस कर देना। और साथ ही उसके बाजू में यहाँ पे एक बेल आइकन का उसको ऑल पर सेट करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको जो फ्री फायर सेट सारी आपको न्यूज और अपडेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो इस इवेंट के बैनर दिखा देता हूं, तो जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हो यहाँ पे अपने जो ये कुछ अपना बैनर होने वाले, जिसको कि आप लोग देख लो रिवॉर्ड वगैरह भी जो है इसके अंदर सब कुछ मेंशन किया हुआ। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है गेट फ्री लाइव वॉचिंग रिवॉर्ड, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो एक एक करके जो है सारे टीयर को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपसे जो कितने माइलस्टोन कंप्लीट करने के ऊपर कौन सा रिवॉर्ड जो यहाँ पे आपसे वो दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो अपना सबसे पहले टीयर होगा यहाँ पे जो टीयर वन होगा, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है आप सब लोगों को क्या करना है, 2 लाख की वॉचिंग टारगेट अगर आप पूरा कर दो तो यहाँ पे आपको जो 2 डायमंड वाउचर और 2 वेपन वाउचर हो जाएगा जहाँ पे आपसे वो दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो कि हर बार की तरह कोई ना कोई में आपसे वो दिए जाते हैं। बट गाइस जो अगले 2 टीयर टीयर 2 और टीयर 3 जिसके अंदर आपसे वो पुराने और लेजेंडरी रिवॉर्ड जो है गाइस यहाँ पे आपसे वो दिए जाने वाले, ठीक है। और आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को जो इनमें से कौन सा रिवॉर्ड जो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो अपना टीयर 2 और टीयर 3 उनमें से आप लोग जो कोई भी एक ही रिवॉर्ड को यहाँ पे जो सिलेक्ट कर पाओगे। तो इस बढ़ते हैं टीयर 2 की तरह, तो गाइस जैसे कि आपसे लोग देख पा रहे हो यहाँ पे जो टीयर 2 का जो एम है गाइस वो यहाँ पे 4 लाख की लाइव वॉचिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो लाइव स्ट्रीम चलेगा उसके अंदर 4 लाख की लाइव वॉचिंग अगर आप कर दोगे तो अपना टीयर 2 जो है गाइस यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें प्राइजेस की तो देख लो इसके अंदर आपको जो है 2 कैरेक्टर दिए जा रहे हैं, जिसमें का अपना एक कैरेक्टर अलवारो कैरेक्टर और एक अपना एक कैपेला कैरेक्टर, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आपको जो पैराशूट का स्किन और यहाँ पे आपको जीप का स्किन भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है कोई भी इन 4 आइटम में से कोई भी एक रोड को चूज कर पाओगे। और जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा है यहाँ पे आपको जो सिल्वर कलर का जो है कॉइन देखने को मिल रहा है, तो आपको जो है इस सिल्वर कलर को कॉइन को लेकर जो रिडीम करके आपको जो कोई भी एक रोड जो है यहाँ से क्लेम कर पाओगे। तो बढ़ते हैं टीयर 3 की तरफ, जिसके अंदर आपको जो काफी एकदम ओपी रिवॉर्ड जो यहाँ पे आपसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख लो जो टीयर 3 का माइलस्टोन यहाँ पे जो है 6 लाख लाइव वॉचिंग का दिया जा रहा है, मतलब अगर आप लोग जो है टोटल 6 लाख के ऊपर अगर आप लोग जो लाइव वॉचिंग का जो टारगेट है वो पूरा कर दो तो अपने जितने भी टीयर है टीयर 1, 2, 3 वो जो है सारे के सारे यहाँ पे जो अनलॉक हो जाएंगे, जिसको कि आप लोग जो है फिर आप लोगों को यहाँ पे रिडीम कोड देगा जिसके अंदर आप लोग जो है ये सारे के सारे रिवॉर्ड क्लेम कर पाओगे, ठीक है। तो अगर बात करें टीयर 3 के रिवॉर्ड को, तो साथ ही मैं आपको जो इन सारी चीज़ों का रिव्यू भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देख लो फिलहाल यहाँ पे आपको जो सबसे पहले यहाँ पे एक एक गन स्किन दिया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से इतना भी खास नहीं, और आई थिंक ये जो गन स्किन आई थिंक बहुत पहले जो है बहुत से बंदों को फ्री में भी मिल चुका है, ठीक है। तो बढ़ते हैं सेकंड रिवॉर्ड की तरफ, जिसके अंदर यहाँ पे आपको जो यूनिवर्सल फ्रैगमेंट दिया जा रहा है जो कि 3000 दिया जा रहा है, ये भी अपनी लिस्ट के अंदर से हट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 मेन रिवॉर्ड बस है, जिसके अंदर आपको जो है एक इमोट दिया जा रहा है और यहाँ पे आपसे कोई ग्लोअल का स्किन दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको जो इन दोनों में से कौन सा जो चीज लेना चाहिए वो मैं अगर आपसे बताऊँ, तो देखो जो ग्लोअल का स्किन है जो ऑलरेडी अपने गेम के अंदर 2 बार आ चुका है, बट जो इमोट है चिकन वाला ये जो है अपने सीजन 7 का जो इलाइट पास है, B2K वाला इलाइट पास जिसे आप बोलते हो, तो उस इलाइट पास का जो लेजेंडरी इमोट है जो कि कभी रिटर्न नहीं आता वो आपको जो है इस इवेंट के अंदर दिया जाएगा, ठीक है। अगर मेरी बात करें पर्सनल रिकमेंडेशन की, तो आप लोग जो है जो चिकन वाला इमोट है जिसका कि मैं आपसे स्क्रीन पर प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, तो आप सभी लोग जो है इस चिकन वाले इमोट को जो यहाँ से रिडीम करना, ठीक है। तो आपको रिडीम कैसे करना है, तो नीचे आप लोग देख लो जाए यहाँ पे आपको जो है एक गोल्डन कलर का कॉइन देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आप लिखा हुआ चूज 1 ऑफ 4 रिवॉर्ड, ठीक है। तो आप लोग जो सेम जैसे आपने टीयर 2 में था, तो आप लोग जो है यहाँ पे कोई भी 4 रिवॉर्ड में से कोई भी यहाँ पे जो एक रिवॉर्ड जो यहाँ पे आप लोग चूज कर पाओगे, ठीक है। सो गाइस अगर बात करें टीयर 2 की, आप लोग जो टीयर 2 में से कौन सा रिवॉर्ड चूज करवाओगे, देखो तो गाइस अपना जो अलवारो कैरेक्टर जो कपेला कैरेक्टर है आई थिंक ऑलमोस्ट सब बंदों के पास होगा, और जो पैराशूट भी वो तो नॉर्मल वो तो कोई लेगा नहीं, तो गाइस बस अपना जीप का स्किन, ठीक है। तो आप लोग जो है जीप का स्किन टीयर 2 में से आप जो क्लेम कर सकते हो, जो कि एकदम काफी ओपी लुकिंग है, जो कि मैं आपसे स्क्रीन पर उसका रिव्यू भी दिखा रहा हूँ। और अगर बात करें टीयर 3, तो जैसे कि मैंने बोला जो आपको चिकन वाला इमोट है वो आप लोग जो है यहाँ से टीयर 3 से क्लेम कर पाओगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात करेंगे कि आप से जो रिडीम कोड है वो कब दिया जाने वाला, मैं कैसे आपको जो रिडीम कोड देने
वालों, तो देखो ये जो अपना टूर्नामेंट है ये चलेगा इस फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल के जो ई स्पोर्ट्स चैनल है उसके ऊपर जो है दोपहर को 3 PM को जो अपना टूर्नामेंट चलेगा। तो आपको क्या करना है, जो अपना अपकमिंग संडे होगा जो कि अपना 28 नवंबर होगा, तो आपको जो है दोपहर को 3 PM को जो आप लाइव स्ट्रीम के ऊपर चले जाना। सो गाइस जो कि चलेगा फ्री फायर इंडिया के ऑफिशियल ई स्पोर्ट्स चैनल पर, तो आपको जो सिंपली वहाँ पर चला जाना है, ठीक है। तो जैसे अपना 6 लाख लाइव वॉचिंग का जो टारगेट पूरा हो जाए, फिर जैसे अपना जो है टूर्नामेंट जब खत्म होना शुरू हो जाए, अभी देख लो 3 PM को जो टूर्नामेंट चालू होगा, तो लगभग जो है आई थिंक 5 से 6 बजे के बीच में अपना जो टूर्नामेंट खत्म हो, तो इसी कुछ टाइम पीरियड के अंदर जो है मैं आपसे वो डीम कोड दे दें। तो कैसे डीम कोड दे दूँ, तो आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग जो है सबसे पहले इंस्टाग्राम पर डीम कोड दिया जाए, क्योंकि देखो मैं जो है इस टूर्नामेंट को पूरा देखने वाला हूँ। जैसे मेरे को डीम कोड मिलेगा सबसे पहले जो मैं गाइस आपसे इंस्टाग्राम पर दूंगा, उसके बाद जो यूट्यूब पर वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पर देखो वीडियो एडिट करनी पड़ती है, रिकॉर्ड करनी पड़ती है, इसलिए इतना टाइम नहीं मिलता। बट और आपसे को पता ही होगा कि अपना जो रिडीम कोड का साइट है वो हर बार क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो गाइस इस बार जो यहाँ पे आई थिंक सो यहाँ पे क्रैश वगैरह नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको जो है यहाँ पे सिल्वर टोकन और गोल्ड टोकन दिया जा रहा है, जिसको कि आप लोगों को गेम के अंदर यहाँ पे जो आई थिंक क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आपसे को जो यहाँ पे रिडीम कोड देने वाला, जो कि मेरी इंस्टाग्राम पर आपसे को मिल जाएगा और लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। आपको जो सारी चीज़ समझ में आ चुकी है, तो बस आपसे को अपना जो रिडीम कोड है कैसे दिया जाने वाला, रिडीम कोड के अंदर आपको जो है कौन कौन से प्राइजेस जो है यहाँ पे आपसे को दिए जाने वाले, ठीक है। तो होप आपको जो है सारी डिटेल समझ में आ चुकी है, तो अगर कुछ भी दिक्कत है आप लोग जो मेरे कॉमेंट्री में जरूर पूछ सकते हो। तो सर मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।